नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल कुक विद जलपा में। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल थाली, व्रत की थाली या फलाहार की थाली। ये जो थाली आज हम बना रहे हैं उसे हम अग्यारस में, नवरात्रि के उपवास में, शिवरात्रि में और भी कई उपवास में खा सकते हैं। और एक खास बात, आज हमारी वीडियो में मैंने 5 रेसिपी शेयर की है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में आलू को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम कुकर में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और वॉश किए हुए आलू पानी में ऐड कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 3 विसल आने तक आलू को पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके छिलके निकालेंगे। अब हमें आलू को मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर लेना है। आलू के पीस ज़्यादा छोटे ना करें। हमें सूखी सब्जी बनानी है इसलिए मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लें। और आलू को काटने के बाद ऐसे टुकड़ों को अलग कर दें। अब हम एक पैन या तो कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, आधी चम्मच जीरा, कटी हरी मिर्च और मीठे नीम के पत्ते ऐड करेंगे, साथ में आधी चम्मच जितने तिल भी ऐड करेंगे और 1 चम्मच मूंगफली के दाने भी ऐड करेंगे। अब जो हमने काट के आलू रेडी किए थे उसे ऐड कर दें और सारे मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर और आधी चम्मच नमक। सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मैंने सारे खाने को सिंधव नमक में बनाया है। अब हमारी सब्जी बनके रेडी है। अब हम मसाला पीनट्स बनाएंगे। मसाला पीनट्स बनाने के लिए हम एक पैन में आधी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और उसमें 1 कटोरी भर के पीनट्स ऐड कर देंगे। पीनट्स को कंटिन्यू चलाते हुए भून ले। 4 से 5 मिनट में भून के रेडी हो जाएंगे। अब गैस बंद कर देना है और हम पीनट्स में मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। सारे मसाले को पीनट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पीनट्स कितने क्रंची बने हैं उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। अब हम बनाएंगे कैरेट का रायता। कैरेट का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कैरेट ली है जिसे हमें पील कर लेना है। मैंने यहाँ पे कैरेट को 4 हिस्सों में कट कर लिया है और उसका बीच वाला पार्ट हटा देंगे। मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाली कैरेट ली है। अगर आपको रेड वाली कैरेट मिल सके तो उसका भी रायता बना सकते हैं आप। अब कैरेट को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कैसा कैरेट ग्रेट किया है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी घर का दही लिया है जिसमें हम ग्रेट की हुई गाजर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक
और चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिलाएंगे, जिससे हमारा रायता बेहद ही स्वादिष्ट लगे। कैरेट का रायता इतना टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाएंगे राजगीरा के आटे का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाय छाप रामदाना आटा का इस्तेमाल किया है। सारे आटे को छन्नी से एक बार अच्छे से छान लें। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच भर के घी ऐड करेंगे और एक कटोरी राजगीरा का आटा ऐड करेंगे। थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आधी चम्मच घी और ऐड किया है। अब हमें आटे को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। आप देख सकते हैं हलवे का आटा कितना अच्छे से भून चुका है। राजगीरा का आटा ऐसे चलाते हुए भुनेंगे तो कभी भी जलेगा नहीं। आटा एकदम हल्का हो जाए तब उसमें गरम किया हुआ 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते समय गैस की फ्लेम लो रखनी है और आटे को मिलाते रहना है। हलवे में गर्म पानी ऐड करने से हलवे का कुकिंग प्रोसेस बीच में रुकेगा नहीं और हलवा एकदम अच्छे से बनेगा। जब आटा सारा पानी सोख ले तब उसमें आधी कटोरी चीनी ऐड करें और चीनी को घुलने तक पकाएं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। अब हलवे में ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और साथ में इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा राजगीरा का हलवा भी बनके रेडी है। जब ये नॉनस्टिक से चिपकना बंद हो जाए तब समझ लेना कि हमारा हलवा रेडी है। अब हम राजगीरा के आटे से पूरियां बनाएंगे। राजगीरा के आटे में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच नमक ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। आधी चम्मच तिल भी ऐड किए हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से कटे हुए हरे धनिया भी ऐड किए हैं। सारे मसाले और तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो तैयार करेंगे। हमें ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम ऐसा डो रेडी करना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसा डो बनाया है। इसके ऊपर हम 1 चम्मच भर के ऑयल ऐड करेंगे और हाथों से अच्छे से मसल देंगे। परफेक्ट, ऐसा ही डो हमें चाहिए। अब हमें डो को 5 मिनट के लिए ढक के रखना है। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे और उसके अंदर की दोनों साइड पर ऑयल लगा देंगे। अब हमें आटे का एक छोटा सा पेड़ा लेना है और उसे पॉलीथीन के बीच में रखना है और बेलन से अच्छे से बेल लें। कई बार राजगीरे के आटे की पूरी बनाते समय वो थोड़ी साइड से क्रैक हो जाती है, तो उन क्रैक को हाथ से ही हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। आप भी इस तरीके से अपनी परफेक्ट
गोल पूरी बना सकते हैं। मैं एक और तरीका भी बताऊंगी जिसमें हम एक साथ चार पूरी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से पूरी बन जाती है। उसी पॉलीथीन को एक बार ऑयल से ग्रीस कर ले और उसमें थोड़े थोड़े अंतर पे चार आटे के पेड़े रखे। अब बारी बारी से सभी को प्रेस करते हुए पूरी बना ले। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से एकदम परफेक्ट गोल पूरी बना के रेडी कर दी है। इस तरीके से पूरियां बहुत ही आसानी से बन जाती है और परफेक्ट शेप में भी रहती है। तो दोस्तों, हमारी सारी पूरी रेडी है। अब हम उसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई या पैन में तेल रखें और पूरी को फ्राई कर लें। पूरी फ्राई करने के लिए हमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ करना है। ये राजगरे की पूरी कम ऑयल में भी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो जाती है। पूरी को ऑयल में रखने के बाद धीरे धीरे ऊपर से थोड़ा थोड़ा टैप करें जिससे पूरी अच्छे से फूल जाए। जैसे ही पूरी फूल जाए उसे दूसरी तरफ पलटा दें। देखो कितनी अच्छी फूली फूली पूरियां बन रही है। अब हमारी जन्माष्टमी की स्पेशल थाली को सर्व करेंगे। थाली में कैरेट का रायता, मसाला पीनट्स, राजगीरा का हलवा, आलू की सूखी सब्जी और राजगीरा की पूरियां रखी है। देखो हमारी जन्माष्टमी स्पेशल फलाहार की थाली रेडी हो चुकी है। सारी चीज़ें देखकर खाने का मन हो जाए, ऐसी है ना थाली। तो आप भी इसे इस जन्माष्टमी पर घर पर जरूर बनाएं, अपने परिवार और दोस्तों को खिलाएं। इस मॉनसून में मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की है। उसमें से एक है लौकी का हलवा, जो हम उपवास में भी खा सकते हैं। और मेरी सबसे पॉपुलर रेसिपी वन बेटर इन सेवन टाइप्स ऑफ पकोड़ा, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। साथ में मैंने अहमदाबाद के स्पेशल दाल वड़ा की भी रेसिपी शेयर की है। तो इन तीनों रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी थाली कैसी बनी। दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी कुकिंग।